गुड मॉर्निंग बा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यंग लेडी, क्या मैं आपकी कोई खिदमत कर सकता हूँ? सुना है आपके यहाँ एक पियानो है जो आप नीलाम करने वाले हैं। यस यस, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। मेरे यहाँ एक बहुत अच्छा पियानो है, कोई खराबी नहीं उसमें। क्या आप देखना चाहती हैं? जी हाँ, इसीलिए उल्गुआ से यहाँ आई। यू आर मोस्ट वेलकम। वो रहा पियानो, आप चल कर देखें, मैं अभी से बना के आता हूँ। पहले एक लड़की पियानो देखने आई थी, मैं दाढ़ी बना रहा था, वो पियानो बजाने लगी, लेकिन जैसे ही मैंने टावल से मुंह साफ करके देखा वो गायब थी। क्या कह रहे हो? सच कह रहा हूँ, जाने कौन थी वो। आने वाला है, हमने जो बात पहले बोला उसे हम दोबारा बोलता है, हमको पीछे कोई गड़बड़ नहीं मांगता। अपना बॉस पहली बार विलायत से पढ़ के आता है, जैसे ही वो नीचे उतरेगा तुम लोग सब बैंड बजाएगा और हम गले में हार डालेगा और तुम श्रीमती हमारा बहुत बड़ा फोटो लेगा। वेरी बिग साइज, वेरी बिग साइज। नो मिस्टर रॉकी, बॉस को हार पहले हम पहनाएंगे।
तुम कैसे पहनाएगा? हम सेक्रेटरी है या तुम हमारे नीचे काम करता है? मिस्टर रॉकी, लेडीज फर्स्ट, पहले लेडीज को चांस देने को मांगता। तुम समझता नहीं है, अपने हिंदुस्तान में लेडीज लोग सिर्फ पति के गले में हार डालता है, ओनली हस्बैंड। ओह, द प्लेन हैज लैंडेड। हेलो हेलो, एंड डोंट मिसबिहेव। इतना खटारा बात करता। हाय हाय हाय। Oh, welcome, sir. Welcome to Fatherland. Thank you. Garland from Rocky. Thank you. चलिए। Welcome, sir. Welcome. Thank you very much. Oop, idiot. Sir, meet Lily, our stenographer. Mr. Tolaram, our head clerk. Mr. Vittal Das Panchotia, accountant. Mr. Pedro, gatekeeper. Oh, storekeeper. And sir, Mr. Rocky Lawton, your secretary, sir. Thank you very much, Rocky. Oh, thank you very much. तुम लोगों के स्वागत का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन रॉकी, एक बात मेरे समझ में नहीं, ये बैंक बाजा, ये फूट क्या? Oh, don't worry, sir. हमने ऑफिस का खर्चा नहीं किया, हम सब ने मिलकर सर आपके वेलकम के लिए चंदा इकट्ठा किया। हम बोला सर कि आपका दिल थोड़ा खुश होगा, हमारा दिल जास्ती खुश हो जाएगा। तुम्हारा दिल जास्ती खुश होगा? यस सर, आप हमारा बॉस है, हमारा दिल बढ़ेगा, हमारा पगार बढ़ जाएगा। यू आर स्मार्ट मैन रॉकी, तुम्हारे बारे में जरूर सोचेगा। थैंक यू सर, आप जरूर सोचेगा, दिन को सोचेगा, रात को सोचेगा, और को सोचेगा। तुम बोलते बहुत। वेलकम बाबा, वेलकम। हेलो जॉन, हाउ आर यू? बहुत अच्छा। रास्ते में तुमको तकलीफ तो नहीं हुआ बाबा? नहीं जॉन, साहब पैदल नहीं आए हैं, एरोप्लेन से आए हैं, लंदन से बॉम्बे, बॉम्बे से गोवा, तो फिर तकलीफ किस बात का? Am I right, sir? You're very right, Rocky. Sir, follow me now. Follow me. Oh, हाँ बाबा। Please come, sir. Please. बाबा। जॉन, तुम्हारे सारे बाल सफेद हो गए, अब तुम बुड्ढे हो गए हो। हाँ बाबा, 40 साल से इस घर का नमक खाता है, और फिर बड़े साहब के डेथ से अब एकदम बुड्ढा हो गया। जॉन, तुम फिक्र मत करो, अभी छोटा साहब आ गया है, तुम्हारा बाल फिर से काला हो जाएगा। Am I right, sir? Rocky. अब प्लीज सर, प्लीज फॉलो मी, प्लीज फॉलो मी, प्लीज कम सर। कम इन सर, वेरी बिग कार्पेट। गुड, घर तो अच्छा मालूम है। नॉट ओनली अच्छा, टॉप क्लास, मॉडर्न। हाँ, लेकिन हमारा एक पुराना घर भी तो है। वहाँ शंकर लाल रहता होता बाबा। घबराने का कोई बात नहीं सर, ये बंगला उससे भी अच्छा है, यहाँ सारा दिन धूप रहता है, और धूप जो है ब्लड के लिए बड़ा अच्छा होता है। आप सारा दिन धूप में खड़ा रहेगा, आपका जो गाल है कुछ टोमेटो जैसा लाल हो जाएगा। आप भी दिलचस्प मालूम होते हो मिस्टर रॉकी। रॉकी लोगन, माय फुल नेम। मिस्टर रॉकी लोगन, आपकी शादी होगी? वो शादी अभी तो नहीं हुआ, छोकरी हमारे पीछे बहुत पड़ा है, लेकिन अपना पगार बहुत थोड़ा है। आई कांट अफोर्ड। ठीक है, हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। ओह प्रॉमिस। तुम्हारा काम देखना। ओह श्योर श्योर, पहले ये काम देखो, ये हमारा अट्रैक्शन है, वन एंड शो, वन एंड शो। रॉकी लोटन, ये चर्च और कब्रिस्तान। यस सर, टाउन का हर चीज आजू बाजू में है, जास्ती दूर जाने की जरूरत नहीं। मगर तुमने ऐसी जगह पे घर क्यों लिया? बाबा, यहाँ रहने से आदमी गॉड के नजदीक होता है, जिंदगी और मौत में कितना फासला हर वक्त याद रहता। यस सर, आदमी थोड़ा दिन इधर रहता, फिर बाद में जाके कब्रिस्तान में सेटल डाउन हो जाता। घबराने का कोई बात नहीं सर, इधर का आदमी उधर चला जाता, लेकिन उधर का आदमी इधर कभी नहीं आता।
मिस्टर रॉकी, बिजनेस के सिलसिले में मैं एक पार्टी देना चाहता हूँ। डोंट वरी सर, पार्टी का इंतजाम मैंने पहले से कर दिया है। हमने अगले बुध को बड़ा बड़ा आदमी बुलाया है, आपको सबसे मिलवाएगा। स्मार्ट मैन रॉकी। थैंक यू सर। बट नॉट सो स्मार्ट मिस्टर रॉकी, ये जगह खाली क्यों है? यहाँ पे कुछ होना चाहिए था। ओके, हम एक बड़ा सा कुत्ता लगे यहाँ बांध देगा, घर हरा भरा हो जाएगा। बाबा, यहाँ एक पलंग रखेगा तुम्हारा आराम के लिए। नो जॉन, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे एक पियानो होना चाहिए। गुड आइडिया। यहाँ पियानो की दुकान है? हाँ हाँ, अपने चर्च के बाजू में डिसिल्वा का दुकान है, हर संडे को वहाँ ऑक्शन होता है, वहाँ तो दो दो रुपए का तबला मिलता है। गुड, तो मुझे वहाँ संडे ले चलो। ओके, थैंक यू। ओके, आई विल फॉलो यू। हाँ तो साहिबान, अब बारी है आज के खास आइटम की, उस पियानो की जिसका जिक्र आज सारे गोवा में चल रहा है। ये रहा वो पियानो। ये पियानो ही नहीं बल्कि घर की शोभा है, मन का मीत और दिलों का संगीत है। यानी जो बात आप अपनी जुबान से नहीं कह सकते, वो इसके सुरों से कह सकते हैं। आई मीन अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं। बोलिए बोलिए। 50 रुपए। 100 रुपए। 200 रुपए। वाह, इन्हें कहते हैं समझदार, होनहार, जो चीज को परखना जानते हैं। 220 रुपया। 220 रुपए आठाने। इसमें हंसने का कौन सा बात है? हमने तो सिर्फ बोली बढ़ाया है, आप हमारा मुश्किल करते हैं। 250 रुपए। बहुत अच्छे, आइए आइए जेंटलमैन, आगे आइए। 300 रुपए। 350 रुपए। 400 रुपए। सर, आहिस्ते आहिस्ते बोली बढ़ाइए, मेम साहब में ज्यादा दम नहीं है। शट अप रॉकी। सॉरी सर। 450 रुपए। 500 रुपए। वेरी गुड सर, दम है। 700 रुपए। 700 रुपए। 701। 702। ओहो, आप एक दो क्या कर रहे हैं, तीन बोलिए ना, मेम साहब में दम नहीं है। 703। रॉकी, ने 700 रुपए दे दो और पियानो ट्रक में डाल के घर ले आना, समझे? ट्रक? सर आप कहें तो मैं सर पे उठा के ले आऊं। शट अप रॉकी। सॉरी सर, आपको कैश चाहिए? चेक? रोकड़ा चाहिए। सुनिए, आपने मुझसे कहा? जी जी हाँ। कहिए ना, क्या बात है? जी, बात यह है कि कहीं आप बुरा तो नहीं मानेंगे? आप मुझे जानते भी तो नहीं। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, जान पहचान तो आपस में मिलने झुलने से होती है। आपको जो कहना है शाह से कहिए। मुझे खुशी है कि आपने पियानो खरीद लिया है, अच्छी चीज अच्छे आदमी के पास ही होनी चाहिए। आपने मुझे अच्छा आदमी समझा, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या ये पियानो आपका था? जी नहीं, लेकिन मैं इसके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। इसकी एक रीढ़ खराब है, मैं उसे ठीक करना चाहती थी कि आपने खरीद लिया। अब इतनी रिक्वेस्ट है कि आप किसी अच्छे कारीगर के पास से उसे ठीक करवा लीजिए। जब आप इस पियानो के बारे में इतना ही जानती हैं, तो आप खुद ही क्यों नहीं ठीक कर देती? मैं ठीक कर दूं? हाँ हाँ, इसमें हर्जी क्या है, चलिए। आइए बैठिए। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। क्यों? कुछ नहीं पीजिएगा? चाय, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक? जी नहीं, मैं कुछ नहीं पीऊंगी, बस पियानो ठीक करके चली जाऊंगी। फिर इतनी जल्दी भी क्या है? अब मैं आपको कैसे समझाऊं? प्लीज बुरा मत मानिए, जिस काम के लिए आई हूं वो करने की इजाजत दीजिए। जैसे आपकी मर्जी। एक बात कहूं? कहिए। मैं नहीं चाहती कि इस पियानो को आपके सिवाय कोई और हाथ भी लगाए। क्यों? क्योंकि अनाड़ी लोगों के छूने से सुर खराब हो जाते हैं। आपने खरीदा है, आपको रोक नहीं सकती। हाँ।
आपको ये पियानो बहुत पसंद है। Oh, I love it. मुझे अपनी जान से बढ़कर प्यारा है। मेरे लिए दुनिया में इससे बढ़कर कोई चीज नहीं। तो फिर आपने गलती की, आपको ये पियानो खरीद लेना चाहिए था। काश मैं खरीद सकती। आप मुझे अपने जैसा मत समझिए। दिल छोटा क्यों करती हैं? भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हो सकता है कि यही पियानो मैं आपको एक दिन प्रेजेंट कर दूं। ये भी हो सकता है कि वो दिन कभी ना आए। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है। कभी कभी आकर देख लूंगी, अगर आप बुरा ना माने तो। बुरा मानने की क्या बात है, आपका घर है, जब जी चाहे आइए। यानी किसी भी वक्त, जब भी मेरा जी चाहे? हाँ, जब भी आपका जी चाहे। इस घर का दरवाजा आपके लिए हर वक्त खुला रहेगा। मैंने आपसे इजाजत भी नहीं ली। इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? मुझे नहीं मालूम था, आप तो बहुत ही अच्छा बजा लेती हैं। मेरी जिंदगी का यही एक शौक है मिस्टर सुबीर। मुझे भी संगीत से बेहद लगाव है, लेकिन आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? इतना घबराकर क्यों पूछ रहे हैं आप? आप तो यहाँ आते ही मशहूर हो गए। नीलाम घर में कई लोग आपका नाम ले रहे थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं? मैं आंसू की एक बूंद। माफ कीजिए, मैं आपके जज्बात को ठेस लगाना नहीं चाहता। मैं तो सिर्फ आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम? कोई आ रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आया। On my honor, I promise to do the best to the Lord. Rocky, excuse me, sir. आज हमारा अंदर आना मना है क्या? हाँ, जल्दी बोलो क्या बात है? सर, हमने पार्टी के लिए बड़ा-बड़ा आदमी का लिस्ट बनाया है। ये है केवल पी कश्यप, बद्री कांचवाला, राम औरंगाबाद कर, कैलाश चोपड़ा, पीटर लोबो फर्नांडिस। मुझे रॉकी लिस्ट सुनना है, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि कितने आदमी आ रहे हैं। सर, हमने बहुत सारा आदमी बुलाया, लेकिन हमने बच्चा लोग एक भी नहीं बुलाया, वो सब मिठाई खा जाता है। छोकरी बहुत सारा बुलाया, यू विल बी टू हैप्पी। मिस मीना, मिस मेजी, मिस कॉनी, मिसेस ग्रीन, मिसेस राइट। मिस्टर रॉकी, लेकिन बार बार लिस्ट क्यों सुना रहे हो? मुझे सिर्फ नंबर बता दो। सर, हमने सिर्फ 200 आदमी बुलाया, लेकिन वो परेरा हेयर कटिंग सलून वाला है ना, वो छोकरी का शादी बनाया, वो 300 आदमी बुलाया। उधर हमने खूब मुर्गी दबाया, उसके बाद हमने विस्की मारा, विस्की मार के हम डाउन हो गया। उसके बाद हम घर नहीं गया, अस्पताल चला गया। क्या करेगा साहब, ऐसा मौका बार बार नहीं आता फोकट में खाने को। ठीक है रॉकी, अब तुम हॉस्पिटल मत जाओ, घर चले जाओ, समझे? ओके। ओ सर, हम एक बात के लिए आया था, हमारे पास बहुत सारा ये कार्डबोर्ड पड़ा हुआ है, आपका कोई खास मेहमान हो तो बोलो, उसको दे देगा एक्स्ट्रा। रॉकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मुझे यहाँ आए हुए सिर्फ 4 दिन होते हैं, मेरा खास दोस्त कौन हो सकता है? आई एम सॉरी सर। ओके रॉकी। यस सर। मुझे कार्ड दे दो। अरे, अभी तो आपने बोला आपका कोई दोस्त नहीं है। रॉकी। ओ सर, वो खाली है, ये भरेला है। गुड डे रॉकी। ओके, जय हिंद। अरे बोलो ना, क्या बात जॉन? वो लड़की कहाँ है? लड़की? कौन सा लड़की? अभी अभी जो पियानो बजा रही थी। पियानो? नहीं, हम कोई लड़की अड़की नहीं देगा।
होता तो देखता। जाने ना सकते, जाने का तो एक ही रास्ता है। हाँ जाता तो इधर ही से जाता, हमको भी दिखाई देता। क्या कुछ लेकर तो नहीं गया? सर मिस्टर एंड मिसेस ग्रीन, इनकी महंगी सी खदान है, आप बादाम खाइए। ओ आइए सर, वेरी बिग पीपल, मिस्टर एंड मिसेस बद्री कांचवाला, इनका कांच का कारखाना है, आप कांच के गिलास में पेप्सी को रखिए। ओ आइए सर, मिस्टर राम औरंगाबादकर, औरंगाबाद में इनका पोल्ट्री फार्म है, आप मुर्गे चुराने आते हैं? मेरा मतलब है मुर्गियां लेने आते हैं सर। सर आ गया वो काला चश्मे वाला, बड़ा बेईमान आदमी है। बाबा वो शंकरलाल होता, तुम्हारा फादर का पार्टनर होता, साहब उसको निकाल दिया। फिर से यहाँ क्यों बुलाया? आपसे मिलाने के लिए, ताकि आपको दोस्त और दुश्मन में फर्क मालूम हो जाए। दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सभी, मेरा नाम शंकरलाल। हरी शंकरलाल जी, थैंक यू। तुम्हें जानकर खुशी होगी कि तुम्हारे डैडी मेरे बहुत गहरे दोस्त थे और तुम तुम्हारे बच्चों की तरह। मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरा इसी तरह ख्याल करेंगे। श्योर श्योर। कैसे हो जॉन? अच्छा होता है, गुड। हम बोलता आज का पार्टी में तुम दारू ज्यादा मत पीना, नहीं तो डाउन हो जाएगा एकदम। हमको फोकट में मिलेगा, हम पिएगा। आपको पियानो बजाने का बहुत शौक है मिस्टर सुबीर? जी हाँ कुछ ऐसा ही है, लेकिन मुझे बेहद अफसोस है कि आप ये पियानो खरीद नहीं सकते। हालांकि आपने बोली काफी बढ़ा दी थी। जी हाँ बोली तो मैं और भी ज्यादा बढ़ा देती, लेकिन ये पियानो खरीदने के लिए मुझे एक लड़की ने मना कर दिया। ये तो मैं भी नहीं जानती, फिर भी उसकी बात मान ली। जी बात है, खैर मेरा ये ख्याल है कि चूंकि आप पियानो से इतनी ही दिलचस्पी रखती हैं तो आप गाती भी जरूर। जी हाँ थोड़ा बहुत गा लेती। तो फिर आज डिनर से पहले आपका एक गाना सुनाएं? जी नहीं देखिए मैं आपके नाम बिल्कुल नहीं सुनूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मिस जूली हमें डिनर से पहले गाना सुना रही, गिव हर अ बिग हैंड प्लीज। मेरा मूड कुछ खराब हो गया। इस तरह मूड खराब करने से कोई फायदा नहीं मिस जूली। देखिए इस दुनिया में से एक ना एक दिन तो सबको जाना है, तो फिर आप बाकियों का मूड क्यों खराब कर रही हैं? प्लीज कैरी ऑन सिंग। यस यस हम गाना सुनेंगे। प्लीज सिंग, प्लीज सिंग। अब तो आपको गाना ही पड़ेगा। Thank you.
होश नहीं ले आओ। जूली 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 क्या हो गया तुम्हें? जूली जूली ये तो खत्म हो चुकी है। दादू खत्म हो चुकी है मगर ये कैसे हो सकता है? हार्ट फेल। हार्ट फेल मगर तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के लिए पार्टी थी और बेचारी जूली हंसती खेलती खत्म हो गई। कितनी बदनामी की बात है। लोग कैसी कैसी बातें बनाएंगे। बेटा सुबी मुझे बड़ा अफसोस है कि तुम्हारे घर में यह हादसा हुआ। डोंट वरी माय डियर बॉय। आप तो जानते हैं मिस्टर सुबी लोग खामो खाम बात का बतंगड़ बना देते हैं और शरीफ आदमियों को परेशान होना पड़ता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मिस जूली की मौत हार्ट फेल से हुई थी। थैंक यू इंस्पेक्टर। ड्रिंक्स वगैरह में कोई मिलावट नहीं थी। आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। मैं आपका शुक्रिया किस तरह अदा कर सकता हूं? शुक्रिया तो मुझे आपका अदा करना चाहिए। आपने हमारी काफी मदद की। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं। इट्स परफेक्टली ऑलराइट इंस्पेक्टर। एक बात मैं आपसे पूछ सकता हूं? यस। मिस जूली की लाश इस वक्त? वो तो हमने उसके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया। मेरे ख्याल से अब तक तो उसे दफना भी चुके होंगे। तो फिर मुझे भी वहीं जाना चाहिए। ज्यादा थैंक्स इंस्पेक्टर। श्योर। थैंक यू सो मच। अड़ोस पड़ोस में किसी को बताकर नहीं गई थी? जी अड़ोस पड़ोस में बताकर जाती तो फिर रोना किस बात का था। रात को अच्छी भली थी सुबह गायब। क्या नाम है उसका जी? हाँ हाँ क्या नाम है तुम्हारी बीवी का? बीवी इंस्पेक्टर साहब बीवी को तो मरे हुए एक साल हो गया। मेरी तो भैंस गुम हो गई है। 220 इंस्पेक्टर साहब कूटे से बना था। वाह वाह रात को पता ना जाने कहां गया भाई। जूली के बिछड़ जाने का मुझे बेहद अफसोस है मिस्टर रॉबर्ट। गॉड्स विल माय सन। आप यहां कैसे आई? यहां लोग खुशी से नहीं आते मिस्टर सुबीर। I'm sorry. क्या मिस जूली आपकी कोई रिश्तेदार थी? जी नहीं। तो फिर आपकी सहेली होंगी? नहीं वो मेरी कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी तो फिर आप यहां? जिंदगी और मौत का भी कोई रिश्ता होता है मिस्टर सुबीर। एक्सक्यूज मी। Thank you.
फिर घूर घूर कर क्या देख रहे हैं? तुम यहाँ कैसे पहुँच गए? ये भी कोई पूछने की बात है? जल्दी से आके गाड़ी में बैठ गई ताकि लिफ्ट मिल जाए। आप मुझे मेरे स्कूल तक छोड़ देंगे ना? बहुत कम छुट्टी मिली है, अगर वक्त पर ना पहुँची तो मुश्किल हो जाएगी। कहाँ है तुम्हारा स्कूल? आपके माइंस के रास्ते में। चलिए ना, जल्दी कीजिए। क्या सोच रही हैं? यही कि तुम उस दिन मेरे घर से कहाँ गायब हो गई थी। गायब हो गई थी? अब चले जाने को गायब न समझते हैं। सॉरी, मेरा मतलब यही था कि कहाँ चली गई थी। आपका आदमी आया तो चुपके से दूसरे कमरे में चली गई। बाहर से नौकर के आने की आवाज आई तो खिड़की से कूदकर भाग गई। ऐसा लगता है जैसे तुम एक पहली। आप नहीं जानते, औरत एक पहली हुआ करती है। किसी ने कहा है इसे समझना बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं जितना कहा जाता है, सिर्फ अच्छी तरह जानने और पहचानने का मौका चाहिए। क्या ख्याल है आपका? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वो आ गया मेरा स्कूल। Bye.
जानती हो क्या वक्त हो गया? अभी तो रात बाकी है। लेकिन इतनी रात के सन्नाटे में तुम यहाँ आई कैसे? पियानो बजाने को जी चाहा, चली आई। इस तरह रातों को भटकना ठीक नहीं। लेकिन मैं तो आपके घर आई हूँ, आप ही ने तो कहा था जब चाहूँ आ सकती हूँ। मुझे क्या मालूम था आपने सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए पियानो बजाने की इजाजत दी थी। आप नाराज होते हैं, मैं चली जाती हूँ, अब कभी नहीं आऊंगी। मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम चली जाओ। तुम्हारे हाथ इतने ठंडे क्यों हैं? कुछ पहनोगे? जी नहीं, मुझे सर्दी नहीं लगती। तो फिर कॉफी पी लो। जॉन, जॉन, दो कप कॉफी ले आना जल्दी से। लाता है बाबा, क्या रात को तंग करता है। मैं कॉफी नहीं पीऊंगी, मैं जाती हूँ। ऐसा लगता है कि आप कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई हैं। नाराज तो आप हो गए हैं, मैंने आपकी नींद जो खराब कर दी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? तुम पर, मुझ पर, आम लोगों पर दुनिया की कुछ पाबंदियां भी तो हैं। मुझ पर कोई पाबंदी नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है, दुनिया का ख्याल तो रखना ही पड़ता है। मैं बहुत बदकिस्मत लड़की हूँ मिस्टर सुबीर, जिंदगी में मेरी कोई तमन्ना पूरी नहीं हुई। मैं सोच भी नहीं सकती क्या चाहूँ क्या छोड़ूं। अब तो आपके पास आने के लिए भी सोचना पड़ेगा। ये तुम क्या कह रही हो, मैं सच कहता हूँ, मैंने तुम्हें यहाँ आने से कभी नहीं रोका। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता था कि इतनी रात को कोई तुम्हें मेरे साथ अकेला देख लेगा तो क्या कहेगा। इस अंधेरे में मुझे कौन देखेगा? आई एम सो सॉरी, बातों बातों में मैं भूल ही गया था कि अंधेरा है। मैं अभी बत्ती जला देता हूँ। रहने दीजिए, मुझे अंधेरा अच्छा लगता है। अजीब बात है, लोग उजाले के लिए तरसते हैं और तुम अंधेरा पसंद करती हो। इसलिए कि अंधेरे में मुझे किसी ने देखा नहीं, उजाले में किसी ने देख लिया तो आप बदनाम हो जाएंगे। तुम बहुत स्मार्ट हो मिस, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। मेरा नाम है मरिया। मरिया, बहुत खूबसूरत नाम है। इस चेहरे पे अंधेरे की परछाइयां अच्छी नहीं लगती, मैं भी रोशनी के देता हूं। रख दो। तुम किसको ढूंढता होता? किसी को नहीं। दो कप कॉफी बोला होता और यह दूसरा कोई नहीं होता, बात क्या है? कह दिया ना कुछ नहीं, तुम कॉफी रख दो। ये सब ठीक नहीं है बाबा, कल भी तुमने छोकरी का बात पूछा, आज भी इतनी रात को दो कॉफी मांगा, हम पूछता है ये सब गड़बड़ क्या होता? मगर तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं कुछ भी करूं तुम्हें इससे क्या मतलब है? मतलब काय को नहीं, हम तुमको अपना बच्चा सरीका पाला, अगर तुम कोई खोटा काम करेगा तो हम जरूर टोकेगा। तुम मुझे टोकेगा? हाँ हाँ, टोकेगा, हम मारेगा भी। भूल गया, जब तुम इतना छोटा होता तब बड़ा साहब हमको बोला, जॉन अगर सुबीर बाबा ज्यादा मस्ती करेगा तुम उसको मारने भी सकता। जॉन, अब मैं बच्चा नहीं हूं, अपना बुरा भला खुद समझ सकता हूं। हाँ, बहुत समझेगा, बहुत बुढ़ा हो गया तुम, हमसे भी बड़ा हो गया। ऐसे शट अप। डैडी ने तुम्हें 1% शेयर क्या दे दिया, तुम अपने आप को मेरे गार्डियन समझने लगे। डोंट फॉरगेट जॉन, तुम इस घर के नौकर हो। नौकर? हाँ हाँ, एक मामूली नौकर। कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी बदतमीजी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? मैम, दो आइसक्रीम दो। थैंक यू। हे रॉकी। हेलो लिली। एक आइसक्रीम। ओह थैंक यू थैंक यू, इट्स ऑल राइट, गिव टू मी, वेरी स्मॉल वन। रॉकी, हमको लिफ्ट दो तुम्हारा साइकिल पर। नो नो नो, हमारा गाड़ी में कोई जगह नहीं, ये लो अपना आइसक्रीम वापस। तू कैसा बात करता है मैन, अपन दोनों एक ऑफिस में काम करते हैं, दोनों का रास्ता एक है, अब दिल भी एक होने को मांगता है। हम 780 पाउंड का वजन कैसे उठाएगा? क्या बोला? हम बोलता पहले ड्राइव तो करा। अरे गाड़ी छोटा है, इसमें जगह नहीं है। क्या हम बड़ा करेंगे? जगह तो प्लीज, गाड़ी में अटक जाएगा। अरे बाप रे, गाड़ी का टायर पंचर हो गया। तुमने हमारा टायर पंचर कर दिया। सॉरी रॉकी। यू बेबी एलिफेंट, शट अप।
रॉकी रॉकी हम भी आता। अरे भाई पीटर हमारा टायर पंचर हो गया, इसे फर्नांडिस साइकिल वाले की दुकान में दे देना, मैं शाम को ऑफिस से वापस आके ले जाऊंगा। रॉकी तुम अकेला किधर जाता, हम भी आता। तुम हमको छोड़ता ही नहीं, नहीं तो आज हम बॉस को बोल देगा कि तुमने हमारे इज्जत पे हमला किया। ओह माय स्वीट लॉलीपॉप, ले लो। ओ डार्लिंग आई लव यू। ओह नो आई हेट यू। तेरा मुझ पे चलेगा ना जोर, हाँ तेरा मुझ पे चलेगा ना जोर, मैं तेरा नहीं हो सकता, ओ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मार दे तू मुझे चाहे बंदूक से, ऐ खुदा कर जुदा ऐसे माशूक से, मार दे तू मुझे चाहे बंदूक से, मार दे तू मुझे चाहे बंदूक से, जन्म लूंगा कहीं जाके और, हाँ जन्म लूंगा कहीं जाके और, मैं तेरा नहीं हो सकता, हो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता।
बताएगी मुझको तो मर जाऊंगा, खून का तुझ पे इल्जाम धर जाऊंगा। तू सताएगी मुझको तो मर जाऊंगा, खून का तुझ पे इल्जाम धर जाऊंगा, खून का तुझ पे इल्जाम धर जाऊंगा। कर जरा मेरी बातों पे गौर समझी ना, कर जरा मेरी बातों पे गौर, मैं तेरा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तेरा मुझ पे चलेगा ना जोर, मैं तेरा नहीं हो सकता। वाकई तुम्हें दिखाई नहीं देता? नो सर, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। आज हमारा आंखों के सामने पर्दा छा गया। क्या हो गया तुम्हें? हम पंचर हो गया। क्या? नहीं मेरा मतलब है हमारा साइकिल पंचर हो गया, इसलिए हमको भाग के आना पड़ा। आज आपको खदान दिखाने का प्रोग्राम था, हम देर कैसे करता। ठीक है चलो। ओके सर, कम ऑन सर, लेट्स गो। माल यहाँ से जहाज पे डाला जाता है, फिर ये जहाज यहाँ से वास्को जाता है, और उधर से बड़े जहाज पे जापान जाता है माल। ऐसा मालूम होता है रॉकी कि तुम यहाँ की हर चीज जानते हो। Why not सर, it is my duty। देखा सर मैं कितना काम करता हूँ, लेकिन सर हमको पगार बहुत थोड़ा मिलता है, हमको बोलते हुए शर्म आता है। तुमको पगार कितनी मिलती है? Only 900। 900? तुमको वाकई शर्म आनी चाहिए। थैंक यू सर। बोलो रॉकी, यहाँ की कोई और चीज देखने लायक है? अभी तो बहुत कुछ है, आगे चल के एक और पहाड़ी है जो आपके फादर ने बहुत पहले खरीदा था, लेकिन सर उधर काम 6 महीने के बाद शुरू होगा। आप बैठिए, मैं आपको ले चलता हूँ। सर ये पहाड़ी भी खरीद लिया, जब वो पहाड़ी का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद इसको भी खोद डालेगा। डोंट बी सिली रॉकी, ये पहाड़ी कैसे खोद सकते हो? इस पहाड़ी पर तो चर्च है। चर्च है? यस सर, लेकिन सर आज भी लोग का क्या भरोसा, पैसे के लालच में वो अपना खुद का घर खोद डालता है, तो खुदा का घर क्यों छोड़ेगा? रॉकी ये पहाड़ी नहीं खुदेगी, समझे? सॉरी सर, यू आर अ वेरी गॉड फियरिंग मैन सर, गॉड ब्लेस यू। रॉकी। यस सर। बोट किनारे पे लगाओ। ओके। ओए अरमान दोस्त, अरमान दोस्त, बोट किनारे पे लगाओ, हरी आप, हरी आप। जाने वाला कोई नहीं,
तुम यहां क्यों आए हो? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि तुम यहां क्या कर रही हो? मैं इस कब्रिस्तान में पहली बार नहीं आई सुबीर। स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद मैं अक्सर यहां चली आती हूं। कितना सुकून है यहां, दुनिया की झंझटों से दूर। यहां दिल को शांति मिल जाती है। मगर अकेले तुम्हारा यहां दिल कैसे लगता है? हर कब्र पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है जिसे पढ़ते पढ़ते वक्त गुजर जाता है। दिल को न जाने कितनी कहानियां याद आ जाती हैं। किसी कहानी में नफरत है तो किसी में प्यार। लेकिन मरिया, बीती हुई कहानियां याद करके हम अपनी जिंदगी तो नहीं गुजार सकते। हमें अपनी कहानी लिखनी होगी, और अगर तुम चाहो तो हम दोनों मिलकर एक ऐसी कहानी बना सकते हैं जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार हो और नफरत के लिए कोई जगह नहीं। सिर्फ चाहने ही से तो सब कुछ नहीं मिल जाता सुबीर। मैं अगर चाहूं भी तो तुम्हारी नहीं बन सकती। कई दीवारें हमारा रास्ता रोके हुए हैं। मरिया, प्यार खुद ब खुद अपना रास्ता बना ही लेता है। लेकिन मेरा तो इसी ख्याल से दिल कांप उठता है। इस समाज में मेरी कोई हैसियत नहीं। मेरा मजहब अलग है, तुम्हारा मजहब अलग। फिर हम कैसे मिल सकते हैं?
मुझे ऊंच नीच जात पात और मजहब की कोई परवाह नहीं। मैं समाज की इन बंदिशों को नहीं मानता। लेकिन तुम्हारे घर का एक मामूली नौकर तो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसका मालिक किसी गैर लड़की के साथ मेलजोल बढ़ाए, और तुम समाज के कानून तोड़ने की बात करते हो। तो रात को तुमने सब कुछ सुन लिया? हाँ, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कोई तुम्हें मेरे साथ देखे, इसीलिए उसके कदमों की आवाज सुनकर मैं पर्दे के पीछे छुप गई। लेकिन बुढ़ा बहुत समझदार है, सब कुछ समझता है। कितना हंगामा किया उसने। मरिया, मुझे किसी की परवाह नहीं। मैं तुम्हारा प्यार पाने के लिए जिंदगी से भी खेल सकता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मैं नहीं चाहती कि मेरी खातिर तुम इस दुनिया से दूर हो जाओ। मरिया, प्यार करने वाले अपनी दुनिया बसा लिया करते हैं। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं 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 नहीं, जॉन, 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 ये तो मर गया। गंगू, डिसूजा, शामू, जॉन, क्या बात है साहब? रहने दो, जॉन मर चुका है। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? मैं पूछता हूं, किसने मारा इसे? मालूम नहीं साहब, आधा घंटा पहले अभी किचन में था और सिगार पीता होता साहब। हाँ साहब, वो कह रहा था साहब आएगा तो हम पैसा लेकर घर चला जाएगा और अपने भाई के लड़की की शादी करेगा। कोई बाहर का आदमी यहाँ आया था? कोई नहीं साहब, सिर्फ जॉन आया था। थोड़ी देर के बाद पियानो बजा, जोर से बजा और एकदम बंद हो गया। हाँ साहब, एकदम बंद हो गया। आपने बुलाया तो सब लोग आए, हम लोग, और हमको कुछ नहीं मालूम साहब। हम सच बोलता, कुछ नहीं मालूम हमको। सुबीर, तुम्हारे घर में ये दूसरी मौत है बेटे, ये ठीक नहीं। तुम लोग जा सकते हो, मैं खुद परेशान हूं। शंकरलाल जी, जॉन इस घर का बहुत ही वफादार और शरीफ नौकर था। मेरी समझ में नहीं आता आखिर ये सब क्यों हो रहा है। यही तो परेशानी। यू डोंट वरी, मैं अभी जिंदा हूं, सब देख लूंगा। सुबी, मेरा ख्याल है कि इसमें तुम्हारे किसी दुश्मन का हाथ है। दुश्मन? हाँ। लेकिन मेरा दुश्मन कौन हो सकता है? सच बात तो यह बेटे कि बिजनेस के सिलसिले में कुछ लोग तुम्हारे पिताजी के दुश्मन हो गए थे। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी की शरारत। लेकिन अगर दुश्मनी है तो मुझसे हो सकती है। बेचारे जॉन ने इनका क्या बिगाड़ा था? मुमकिन है कि खूनी तुम्हारे लिए आया हो। जॉन तुम्हारा वफादार नौकर था, अपनी जान पर खेल गया। सुबीर, मैं तो ये कहूंगा कि तुम अपना सारा बिजनेस किसी शरीफ आदमी के हाथ में देकर वापस लंदन चले जाओ। देखो बेटे, यहां तुम्हें रोज रोज इस किस्म की परेशानी हो। यह सब बात की बातें हैं शंकरलाल जी, लेकिन इस वक्त इस लाश का क्या होगा? बेटे, ये तुम्हारा और मेरा काम नहीं, पुलिस को खबर तो करनी होगी। पुलिस? ठीक है, मैं फोन करता हूं। नहीं, तुम इस वक्त बहुत परेशान हो, न जाने क्या से क्या कह बैठो। मैं टेलीफोन कर देता हूं। मिस्टर सुबीर, आप तो लंदन से डॉक्टरी पास करके आए हैं। आप इतना तो जानते होंगे कि इंजेक्शन देते वक्त अगर सिरिंज में हवा रह जाए तो उस इंजेक्शन से मरीज की मौत हो सकती है। जी हाँ, ये तो इंजेक्शन देने का पहला उसूल है, वरना मरीज का दिल फट सकता है। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक जान की मौत भी इस तरह के इंजेक्शन लगाने से हुई है। गुड ग्रेशियस, जॉन को बड़ी होशियारी से मारा गया है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसे आदमी को तो फांसी में लटका देना चाहिए। मुजरिम कानून की नजर से नहीं बच सकता शंकरलाल जी, वक्त की बात है। मिस्टर सुबीर, वो सिरिंज कहाँ है जिसे जॉन को इंजेक्शन दिया गया था? सिरिंज? मैं आपका मतलब नहीं समझा इंस्पेक्टर। बड़े भोले हैं आप, इतना भी नहीं समझे। मिस्टर सुबीर, जॉन को जो इंजेक्शन दिया गया था उसमें हवा थी, सिरिंज में दवा नहीं पानी था।
अब जॉन ना बीमार था और ना उसे कोई तकलीफ थी, फिर उसे इंजेक्शन देने की क्या जरूरत थी? आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर? आप यकीन मानिए मैंने जॉन को कोई इंजेक्शन नहीं दिया। मैं उस दिन जब ऑफिस से घर लौटा तो जॉन को मरा हुआ पाया। जी हाँ, जब मैं वहां पहुंचा तो ये तो नौकरों से पूछताछ कर रहा था। मिस्टर सुधीर, आपके नौकरों का कहना है कि काफी रात गए आपका जान के साथ कुछ झगड़ा हुआ था? झगड़ा तो नहीं हुआ, अलबत्ता वो मेरे साथी मामलात में दखल दे रहा था। मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे डांट दिया। डांट दिया तो क्या हुआ, आखिर जॉन घर का एक मामूली नौकर था। जिस आदमी का आपके बिजनेस में 1,00,000 रुपए का हिस्सा हो आप उसे मामूली नौकर कहते हैं? 1,00,000? क्यों बेटे, इंस्पेक्टर साहब ठीक कर रहे हैं क्या? मैं अकाउंट्स देखे बिना कैसे बता सकता हूं अंकल? आप नहीं बता सकते मिस्टर सुबीर, लेकिन आपके अकाउंटेंट के बयान के मुताबिक 50,00,000 के मुनाफे में जॉन का हिस्सा 1,00,000 का है। और जब आपको इस बात का एहसास हुआ तो आपको जॉन बुरा लगने लगा, उसके हर बात आपको खटकने लगी। ये गलत है, झूठ है इंस्पेक्टर। पैसे के मामले में मैंने जॉन को कभी नहीं रोका, वो जब भी जितना भी मांगा मैंने उसे दे दिया। वो छोटी छोटी रकम थी मिस्टर सुबीर। और अब सवाल था बड़ी रकम का। वो कल रात अपने पैसे लेकर अपने गाँव जाना चाहता था। लेकिन उसने मुझसे कभी ऐसी बात नहीं की। आप शायद भूल सकते हैं, लेकिन आपके घर का हर नौकर जानता है कि जॉन अपने हिस्से के पैसे लेकर गांव जाना चाहता था। मैं सच कहता हूं इंस्पेक्टर, आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते? जॉन की मौत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। पिताजी की वसीयत के मुताबिक जॉन की मौत के बाद भी उसका हिस्सा उसके रिश्तेदारों को मिलना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, आप बिना किसी सबूत क्यों उसके पीछे पड़े हैं? मेरी समझ में नहीं आता कि किस बिना पर शक कर रहे हैं आप। खैर, इस वक्त तो आप जा सकते हैं, लेकिन जब भी आपको यहां बुलाया जाए फौरन आना होगा। थैंक यू इंस्पेक्टर। एक बात और, बिना इजाजत आप गोवा के बाहर नहीं जा सकते। जी, इस बात की जिम्मेदारी मेरी। चलो बेटे चलो। हाँ मिस्टर सुधीर, आप अपने पिताजी का वसीयत नामा यहां भिजवा देना। आप फिक्र ना कीजिए, पहुंच जाएगा। आओ बेटे आओ, चलो आओ। डोंट वरी सुबीर, इसमें घबराने की कोई बात नहीं। पुलिस वाले इंक्वायरी के लिए उल्टे सीधे सवाल तो करते ही रहते हैं। कम ऑन माय लैड, लेट्स गो, कम ऑन कम ऑन। अंदर चला भी गया। अरे हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन ये काले चश्मे वाला बॉस के साथ कैसे चिटक गया? हम बताते हैं, जैसे हम तुमको चिटक गया। शट अप, वो तो गंदा है, तुम मार गंदी हो, अपना काम करो। क्या बोला? चुप करो, चुप करो, चुप करो। लले पापा, 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 मत करो, मत करो। गुड बेबी, गुड बेबी। बेटा सुबीर, तुम्हें अपने अकाउंटेंट को डांटना चाहिए। बगैर तुम्हारी मर्जी के उसे पुलिस में बयान नहीं देना चाहिए। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आखिर पुलिस पुलिस मेरे पीछे क्यों है?
इसलिए कि कातिल बड़ा होशियार है, उसने बड़ी चालाकी से जाल बिछाया है। सब ठीक हो जाएगा, मेरी मानो तो मेरे साथ चलो, वरना यहां बैठे बैठे तुम और ही परेशान हो जाओगे। लेकिन कहां अंकल? तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ चलो, दिल बहल जाएगा। रोजी, तुम यहां कैसे? आपकी कशिश खींच लाई, अब दूर रहना मुश्किल सा हो गया है। आई रोजी, यू आर अ डार्लिंग गर्ल। रोजी, नाउ लेट्स गो। सुबीर, हम ठहरे टूरिस्ट आदमी, बिना इतला के हम चले जाते हैं जब भी जाना होता है। और तुम मेरा शौक तो जानते ही हो, हिंदुस्तान के क्लासिकल और लोकगीत इकट्ठे करना, उन्हीं को सुनना और लोगों को सुनाना। इसी सिलसिले में हम गोवा चले आए। चलो, अच्छा हुआ। अरे आई एम सॉरी, इनसे मिलो, ये तुम्हारी भाभी शोभा। नमस्ते भाभी। ऐसा लगता है कि भाभी को भी पुराने गीत इकट्ठा करने का बहुत शौक है। ए मिस्टर, ये तुम्हारी भाभी मुझे हिंदुस्तान का पुराना गीत नहीं समझती। फिर क्या समझती है? अपना पति समझती है, पति। डार्लिंग, इसकी बात का बुरा नहीं माना। मैं क्यों बुरा मानने लगी, हमें तो खुश होना चाहिए, आए थे पुराने गीत इकट्ठा करने और मिल गया पुराने दोस्त। शुक्रिया भाई। देखो भाई सुबीर, हमारा जब तक टूर का प्रोग्राम है ना, हम तुम्हारे घर में ही ठहरे। यार इसमें पूछने की क्या बात है, इसे अपना घर समझो। ओके भाभी, मैं भी कपड़े बदल के आता। बाय, सी यू। बाय। सुबीर एक मुजरिम है, खूनी है। उसने दौलत का सहारा लेकर निहायत चालाकी से अपने एक ऐसे वफादार नौकर का खून किया है जिसने दो पुश्तों से उसके खानदान की खिदमत की थी। लिहाजा एक मुअज्जज शहरी होने के नाते मैं कानून की मदद करना अपना फर्ज समझता हूँ। आगे क्या लिखूं? आगे लिखो कि सबूत के तौर पर अगर सुबीर के ऑफिस की तलाशी ली जाए तो वो सिरिंज जिससे जॉन का खून हुआ था उसकी मेज की दराज से मिलेगी। इसलिए जल्द से जल्द वो सिरिंज हासिल करके पोर्चुगीज कानून के मुताबिक ऐसे मुजरिम को मौत की सजा दी जानी चाहिए। नीचे आपका नाम लिख दो। ए, डोंट बी सिली, कैसी बातें करती हो? क्यों? लिखो, लिखने वाला एक मुअज्जज शहरी, अ रिस्पेक्टेबल सिटीजन ऑफ गोवा। दैट्स राइट। लेकिन बॉस, सुबीर के मरने से आपको क्या मिलेगा? मेरी जान तुम नहीं जानती। सुबीर के पिताजी की वसीयत के मुताबिक सुबीर की मौत के बाद सारी जायदाद का वाहिद मालिक सेठ शंकर लाल होगा। यानी कि आप लाखों के मालिक बनेंगे। मेरी जान, आप ना कहो, कहो हम दोनों लाखों की जायदाद के मालिक बनेंगे। ओह रियली डार्लिंग? यस यस यस। अच्छा नाउ कम ऑन, टाइप दिस लेटर और ये लेटर इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के नाम भेज दो। ओह डेफिनेटली, यू आर अ नाइस स्वीट गर्ल माय डियर। बैंकर पहले तुम मुझसे जरूर सलाह लेंगे। आइए आइए इंस्पेक्टर साहब, आप कैसे तशरीफ लाए? इस ऑफिस की तलाशी लेनी है। तलाशी नहीं इंस्पेक्टर, मैं हरगिज नहीं होने दूंगा, ये मेरी इज्जत का सवाल है। आपकी इज्जत किसी की जान से ज्यादा कीमती नहीं। हमें जो इत्तला मिली है उसके मुताबिक जिस सिरिंज से जॉन का मर्डर किया गया था उस सिरिंज आपकी मेज के दराज में। ये झूठ है, बकवास है, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। बेटे तुम्हें इंस्पेक्टर साहब की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए,
ये बेचारे तो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। लेकिन अंकल बेटे जब तुम्हारा कसूर नहीं है तो घबराते क्यों? आइए इंस्पेक्टर साहब, आपको तलाशी लेनी है। आइए मैं। आपको खबर मिली है कि सिरिंज मेज की दराज में। लीजिए सर, ये रहा दराज। तुम इस तरफ से। ओह नो, ऐसा नहीं हो सकता। अपना बॉस जॉन का खून नहीं कर सकता। हम भी यही बोलता। आज सुबह जब हम ड्रॉ में से फाइल निकालने को गया तो हमको ये मिला। अच्छा हुआ ये हमारे हाथ में आ गया, वरना अपना बॉस फांसी को लटकता था। फांसी? ओह गॉड, ये सिरिंज अपने पास रहेगा तो अपने को भी फांसी हो सकता है। इसको तो पानी फेंक देना चाहिए। वेरी डेंजरस, वेरी डेंजरस। बॉस का हेल्प करेगा। गॉड अपन दोनों का भी हेल्प करेगा। हम ये खबर बॉस को सुनाएगा, बॉस खुश होकर अपन दोनों का पगार बढ़ा देगा। पगार? वेरी गुड, डबल हो जाएगा डार्लिंग। यस डार्लिंग, तुम हमको डार्लिंग बोला? ओ स्वीट हार्ट, हम दोनों लव मैरिज करेंगे। तुमसे शादी करने से तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना अच्छा है। ओ नो डार्लिंग, यू नो आई लव यू वेरी मच डार्लिंग बेबी। रात के 12 बज गए और अभी तक तुम्हारे दोस्त का कोई पता नहीं। मुझे तो सख्त भूख लगी है, मैं खाना लगाने को कह देती हूँ। डार्लिंग थोड़ा और इंतजार कर लो, मैं उतनी देर टेप रिकॉर्डर साफ कर लेता हूँ। बेचारा काम धंधे वाला आदमी है, कहीं फंस गया होगा। उसका धंधा ही तो मेरी समझ में नहीं आता। मैं तुमसे कह रही थी कि चलो चल के होटल में ठहरेंगे। नहीं, तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ घसीट लाए। लेकिन ऐसी भी कौन सी बात है मेरी जान? वाह पूछते हो, बात क्या है? यहाँ आदमी मरते रहते हैं, दिन रात पुलिस आती रहती है। मैं पूछती हूँ बिना किसी वजह की पुलिस यूं ही थोड़ी पीछे पड़ी रहेगी। सच पूछो तो मुझे तुम्हारे दोस्त के रंग ढंग अच्छे नहीं नजर आते। डार्लिंग हमें अपने दोस्त की दोस्ती से मतलब है, उसके ऐप ढूंढने से कोई फायदा नहीं। ऐसा ना हो कि उसकी दोस्ती निभाते निभाते हम खुद किसी मुसीबत में पड़ जाएं। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से अकेली हूँ, मुझे जानने वाला कोई नहीं, पहचानने वाला कोई नहीं। मैं एक पहेली हूँ, बरसों से लड़की की आवाज असर करने लगती है। भाई तुम गुस्से में सब कुछ भूल जाती हो, ऐसा क्लासिकल गाना बहुत कम सुनने में मिलता है। बिल्कुल क्लासिकल भी नहीं है, थोड़ा मॉडर्न मिला हुआ है। मॉडर्न से इसका क्या वास्ता? ये गाना बहुत पुराना है। इतना पुराना भी नहीं है। अच्छा अच्छा चुप करो। वाह वाह वाह, बहुत खूब, मजा आ गया। माफ करना भाभी, मुझे आने में देर हो गई। वो शंकरलाल जी के वहां खाने पे फंस गया था। क्या बात है भाई, भाभी नाराज मालूम होती है कहीं आपस में। अरे नहीं यार, एक गाना रिकॉर्ड किया था उस पे बहस हो रही,
मैं कहता हूँ ये क्लासिकल है और ये कहती है कि इसमें मॉडर्न मिला हुआ है। ऐसी भी क्या बात है, मुझे सुना दो, मैं अभी फैसला कर देता हूँ। हाँ यार तो लो तुम सुनो। हाँ भैया आप ही फैसला कर दीजिए, देखती हूँ आपको ये गाना कितना पसंद आता है। हाँ हाँ सुना लो। डार्लिंग तुम चाहे कुछ भी कहो लेकिन इस आवाज में दर्द बहुत है, रात के सन्नाटे में दिल पर छा जाती है। तुम्हारे दिल पे तो हर लड़की की आवाज असर करने लगती है। भाई तुम गुस्से में सब कुछ भूल जाती हो, ऐसा क्लासिकल गाना बहुत कम सुनने में मिलता है। बिल्कुल क्लासिकल भी नहीं है, थोड़ा मॉडर्न मिला हुआ है। मॉडर्न से इसका क्या वास्ता, ये गाना बहुत पुराना है। इतना पुराना भी नहीं है। अच्छा अच्छा चुप करो, गाना सुनो। भाई वाह कमाल कर दिया तुम दोनों ने। मेरा ख्याल है ये ना तो क्लासिकल है ना मॉडर्न, बल्कि तुम दोनों का आपस में ड्यूएट गाना है जिसमें शायरी बिल्कुल नहीं और इमोशन बहुत ज्यादा। बंधु रात बहुत हो चुकी है, मेरा ख्याल है कि तुम दोनों को नींद की सख्त जरूरत है। गुड नाइट। गाने का क्या हुआ? अरे मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, हमारी बातें रिकॉर्ड हुई है लेकिन गाने का कुछ पता नहीं, बड़ी अजीब बात है। जब हम तुमको अपना शादी का बात करते हैं तो तुम हमको गले के मार भी लात मारते हैं, और अभी पगार बढ़ने का चांस है तो तुम आगे जाते हैं। ओ लिले तुम समझता क्यों नहीं, पगार का बात जितना अच्छा आदमी लोग कर सकता है औरत लोग नहीं कर सकता। ओ आई एम सॉरी, तुम पहला काहे को नहीं बोला बॉय? ठीक है तुम हमारा मर्द, हम तुम्हारा बीवी। मतलब होता है बॉस आ गया, अभी हमने जैसा बोला है वैसा ही करना। हरी अप हरी अप। गुड मॉर्निंग लिले। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राकी। गुड मॉर्निंग। हम ठीक किया? बिल्कुल ठीक किया। थैंक यू। अभी हम बॉस के पास जाते हैं। नो तुम बदल जाता है, हम भी तुम्हारे साथ जाएगा बॉस के पास, दोनों मिलके बात करेंगे। ओके ओके तुम भी चलो। ओके सर। Yes. तुम बोलो ना। तुम बोलो ना। क्या बात है, बोलते क्यों नहीं? सर आज आपको हमारा पगार बढ़ाना ही पड़ेगा। Yes, सर। पगार क्यों बढ़ाना पड़ेगा? हमने आपको फांसी लगने से बचाया है। क्या करते हो, मुझे क्यों फांसी होने लगी? सर तुम जॉन अंकल का मर्डर करके सिरिंज को टेबल के अंदर छुपा दिया था। You idiots. क्या तुम लोगों को मुझ पर यकीन नहीं? नो सर यकीन तो है, लेकिन सिरिंज आपके टेबल के ड्रॉअर में आया कैसे? हाँ हम फाइल लेने को आया तो हमको इधर मिला, हम उसको उठा लिया, नहीं तो तुमको फांसी हो जाता था। लेकिन अब वो सिरिंज है कहाँ? हमने उसे समुद्र में फेंक दिया। इसलिए फेंक दिया, तुमको पुलिस पकड़ के ले जाता था। फूल्स, जानते हो कितनी बड़ी गलती की तुम लोगों ने? सिरिंज मेरे पास होता तो मैं फिंगरप्रिंट्स का पता लगा सकता था और ये जान सकता था कि असली खूनी कौन है। सर हमसे गलती हो गया, हमें माफ करिए। सुनो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और याद रखो ऑफिस में अंदर कोई जाने ना पाए, समझे? ओके सर। रॉकी हम कितना बड़ा फूल है। तुम फूल ही नहीं है, तुम महाडेव फूल है। तुमने हमको गलत रास्ता बताया, अब हम बॉस का मदद करेगा। हम भी बॉस का मदद करेगा, तुम क्या समझते हो? ये बताओ आजकल हमारे ऑफिस में बाहर का कौन कौन आदमी आता है? हाँ काला चश्मा। ओ मिल गया शंकर लाल। साथ है
अब तक गले न मिल सके ये और बात है मेरा तुम्हारा साथ तो सदियों का साथ है अब तक गले न मिल सके ये और बात है मेरा तुम्हारा साथ तो हाथ को ले लूं इजाजत हो अगर ख्वाबों में मैंने चूमा जिसे ये वो हाथ है अब तक गए ना मिल सके ये और बात है मेरा तुम्हारा साथ तो ये और बात है मेरा तुम्हारा साथ तो मंजिल पे आया कारवां हो गए अरमां जवां मंजिल पे आया कारवां फिर हो गए अरमां जवां महसूस ये होने लगा कदमों में है दोनों जहां जिसकी मुझे तलाश थी वो मेरे साथ है अब तक गए ना मिल सके ये और बात है मेरा तुम्हारा साथ तो अच्छी जगह है तुम्हारा घर और कौन बैठता है तुम्हारे साथ मेरे साथ हाँ ये हम दोनों के सिवा यहां और कोई नहीं रहता कौन है मेरे डैडी अंदर है क्या बाहर गए सुबह जाते वक्त कह गए थे
देर से लौटेगी। और तुम घर के दरवाजे खुले छोड़ के चली गई। तुमने याद किया, जल्दी में सब भूल गए। और अगर घर का कुछ सामान चोरी चले जाता तो? चोरी यहाँ होती नहीं सुबीर, आखिर हम एक दूसरे के भरोसे पे ही तो जीते। देखो ना, तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है, लेकिन फिर भी मुझे तुम पर भरोसा है। मेरा दिल कहता है तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। और जानती हो मेरा दिल क्या कहता है? मेरा दिल ये कहता है कि तुम जिंदगी भर मेरे साथ रहोगे, रहोगी ना? बड़े जोर की बारिश होने वाली है, अब तुम जाओ यहां से। लेकिन बारिश तो शुरू हो गई। प्लीज तुम किसी तरह भी यहां से चले जाओ, थोड़ी देर में डैडी आ जाएंगे, उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। इस पर घबराने की क्या बात है, मैं चाहता हूँ कि डैडी से मिल के जाओ। नहीं सुबीर, नहीं, डैडी बहुत पुराने ख्यालात के हैं, उन्हें ये सब बातें पसंद नहीं। प्लीज मेरी खातिर चले जाओ। लेकिन एक शर्त है। क्या? कल फिर मिलोगी ना? हाँ मिलूंगी, जरूर मिलूंगी, अब जाओ प्लीज। बाय। किसी ने मुझे खंजर मार दिया। सर आपको किसी ने खंजर नहीं मारा, आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया था। भगवान का लाख लाख शुक्र है भैया, तुम्हारी जान बच गई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि इतनी रैश ड्राइविंग की जरूरत क्या थी। मैं आप ही की तरफ आ रहा था अंकल, किसी जरूरी काम के लिए। लेकिन जरूरी काम के लिए कहो क्या बात है। प्लीज इफ यू डोंट माइंड, प्लीज। थैंक यू। अब आराम से कहो क्या कहना चाहते हो। आपको याद होगा जॉन की मौत सिरिंज से हुई थी। हाँ हाँ। किसी बदमाश ने उस सिरिंज को मेरे ऑफिस के ड्रॉर में रख दिया। तुम्हारे ऑफिस के ड्रॉर्स में? लेकिन पुलिस को तो वहां से कुछ नहीं मिला। बात यह हुई अंकल के लिली ने फाइल निकालते हुए उस सिरिंज को ड्रॉर में देख लिया, और इस डर से कि वो किसी के हाथ ना लग जाए उसने उसे वहां से निकाल लिया। अब कहां है वो सिरिंज? लिली ने उसे समंदर में फेंक दिया। यही बताने के लिए मैं आपके पास आ रहा था कि अचानक मुझे एक झटका सा महसूस हुआ और मरिया को मैंने अपने सामने मुस्कुराते हुए पाया। भाई खूब, पहले घबराहट में तुमने कार का एक्सीडेंट कर दिया, फिर बेहोशी के आलम में तुम मारिया के सपने देखने लगे। ऐसा लगता है कि मारिया तुम्हारे दिलो दिमाग पर बुरी तरह छा गई है। लेकिन बेटे ये है कौन? ये तो ठीक से मैं भी नहीं जानता अंकल, लेकिन इतना जानता हूं कि पुराने चर्च के टूटे हुए कब्रिस्तान में मुझे अक्सर मिलती है। बहुत सुरीली आवाज है उसकी, उसकी आवाज में इतनी कशिश है कि मैं अपने आप उसकी तरफ खींचा चले जाता हूं। वो कुछ देर के लिए साथ रहती है और फिर अचानक गायब हो जाती है। सुबीर, तुमने मुझे बड़ी उलझन में डाल दिया, लेकिन फिक्र ना करो, मैं उसका पता लगा लूंगा। कुछ समय नहीं आता, जो भी स्कीम बनाता हूं कमबख्त फेल हो जाती है। पहले सिंह गायब हो गई और अब ये मारिया ना जाने कहां से सुबीर की जिंदगी में आ टपकी।
अगर इन दोनों की शादी हो गई तो सुबीर की जायदाद हासिल करना और भी मुश्किल हो जाएगा। वो सुबीर से बहुत प्यार करती है ना बॉस? हाँ बहुत प्यार करती है, लेकिन खुलेआम उससे मिलना भी नहीं चाहती। उसे पाना भी चाहती है लेकिन दुनिया से भी डरती है, ना जाने किस किस्म का प्यार है। जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ, आपको चाहती भी हूँ और खुलेआम आपके बन भी नहीं सकते। रोजी डार्लिंग, मैं तुम्हें छोड़ भी तो नहीं सकता और ना ही तुम मुझे छोड़ सकती। रोजी मत भूलो कि तुम मेरी एक मामूली टाइपिस्ट नहीं हो बल्कि मेरी हमराज भी हो। सुबीर की जायदाद हासिल करने के लिए हम दोनों को साथ साथ चलना होगा। हाँ जायदाद हासिल करने के बाद हम पेरिस जाएंगे। ओह इट्स अ लवली प्लेस, वी विल एंजॉय। डार्लिंग सुना है वो बहुत रोमांटिक जगह है। रोजी रोजी प्लीज। रोजी मैं जब कुछ सोचने लगता हूँ तुम बीच में बोल पड़ती है। मुझे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सोचते सोचते तो मेरी रातों की नींद हराम हो गई। ये रात ये जवानी ये बोतल शराब की, ये रात ये जवानी ये बोतल शराब की, हो जाए इस तरफ भी इनायत जनाब की, कहिए गिलास भर दूं, कहिए गिलास भर दूं। बॉस इतनी मत पियो वरना होश खो बैठोगे। होश तो अब आ रहा है रोजी,
मेरा दिमाग सही सोचने लगा है। क्या हुआ बस? अंधेरे में चिराग जल उठे, दिमाग से धुंध के पर्दे हट गए। अब सुबीर को खत्म करने का एक नया रास्ता नजर आ रहा है। वो कैसे? रोजी, आज से तुम रोजी नहीं मारिया हो मारिया। तो क्या मुझे उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाना होगा? नहीं रोजी नहीं, वो सिर्फ मारिया का दीवाना है और उसी दीवानगी में वो तुम्हारा पीछा करेगा। याद करो वो दिन जब पार्टी में उसने तुम्हें पीछे से देखकर मारिया कहकर पुकारा था। हाँ, लेकिन वो मुझे देखकर कुछ घबरा गया था। मगर अब सुबीर तुम्हारी सूरत नहीं देखेगा, सिर्फ तुम्हारे गाने की आवाज सुनकर तुम्हारा पीछा करेगा, क्योंकि मारिया उसे पुराने चर्च के पास मिलती है। वो कभी सोच भी नहीं सकेगा कि तुम मारिया नहीं बल्कि रोजी हो। फिर उसके बाद क्या होगा बॉस? तुम गाती हुई कब्रिस्तान के पीछे वाले पहाड़ की चोटी तक पहुंच जाओगी। सुबीर तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, जैसे तुम्हारे नजदीक पहुंचेगा उसका पांव फिसल जाएगा और वो खड्ड में गिरकर मर जाएगा। हाँ, what a beautiful idea, boss. लेकिन boss, अगर रात का वक्त हो तो ज्यादा अच्छा है ना? You are right. कल रात को सुबीर को वहां लाना होगा। हाँ। और जैसे ही परसों उसकी लाश पाई जाएगी, कुआं में तरह तरह की बातें होंगी। कोई कहेगा कि उसने खुदकशी कर ली और कोई कहेगा कि बेचारे का पांव फिसल गया होगा। सर, आज आप दफ्तर में नहीं आए, हमारा मन नहीं लगा, इसलिए हम आपको देखने को इधर आ गया। ठीक है रॉकी, अब काफी देर हो चुकी है, तुम जा सकते हो। नहीं सर, हम नहीं जाएगा, आपको छोड़ के जाने का हमारा मन नहीं करता। कल आपका एक्सीडेंट हुआ, गॉड के मेहरबानी से आप बच गया। आज अगर आपको कुछ और हो जाएगा तो हम क्या करेगा सर? तुम कैसी बातें करते हो रॉकी, अब कुछ नहीं होगा। सर योर फोन। हेलो सुबीर है, रोजी। हेलो रोजी, कैसी हो? ओह फाइन थैंक यू, अब कैसी है आपकी चोट? अब तो बिल्कुल ठीक है, फिकर की कोई बात नहीं। थैंक गॉड, मेरा तो सुनते ही दम निकल गया था। थैंक्स फॉर द कॉल रोजी। आपकी गाड़ी तो बिल्कुल खराब हो गई होगी, बहुत अच्छी गाड़ी थी। मुझे भी बेहद पसंद है वो गाड़ी, लेकिन सुना है कि ज्यादा खराब नहीं हुई। तो क्या आप उसे लाए नहीं? मैं तो भूल ही गया, अभी तक वो वहीं एक्सीडेंट स्पॉट पे पड़ी है। हाउ बैड ऑन योर पार्ट, इतनी अच्छी गाड़ी आप जंगल में छोड़े हुए हैं, उसे तो फौरन ले आना चाहिए था। रात के वक्त चोरों का क्या भरोसा, इंजन निकाल कर ले जाएं तो? हाँ तुम ठीक कहती हो रोजी, मैं भी ले आऊंगा। थैंक्स फॉर द कॉल। रॉकी मेरे साथ चलो, अगर गाड़ी चलने के काबिल हुई तो उसे ले आए। राइट सर, एट योर सर्विस। आफ्टर यू सर। आफ्टर यू सर, ऑलवेज आफ्टर यू। डालें, मैंने गाड़ी का शीशा इस तरह फिक्स किया है कि जैसे सुबीर गाड़ी में आकर बैठेगा उसे शीशे के जरिए तुम दूर पटरी पर जाती नजर आओगी और वो तुम्हें मारिया समझकर तुम्हारा पीछा करेगा। और उसके बाद क्या करना है मैं जानती हूँ डार्लिंग। आई यू आर अ स्मार्ट गर्ल। थैंक यू। शायद वो लोग आ रहे हैं, जल्दी चलो। ये गाड़ी देख के ऐसा नहीं लगता कि मेरा सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। यू आर राइट सर, लेकिन पुलिस वाला बोला जब वो इधर आया तो आपका आधा बॉडी गाड़ी के अंदर था और आधा डिक्की के अंदर था। क्या बकते हो रॉकी? नो सर, आधा अंदर था आधा फुटपाथ पर था। आई मीन दैट। अजीब बात है। Thank you.
तक मैं वापस नहीं आऊं तो मेरा यही इंतजार करना। ओके सर।
पागल आप? हाँ हाँ मगर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बेटे मैं तुम्हारी तलाश में यहाँ आया था। मेरी तलाश में? हाँ बेटे, जिस दिन से मैंने वो लड़की की बात सुनी है मुझे बड़ी घबराहट होती है। चलो बेटे चलो, तुम्हें यह जगह नहीं आना चाहिए। अंकल इसमें घबराने की क्या बात है, आप चलिए मैं आ जाऊंगा। नहीं बेटे नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। ऐसी ऐसी अंधेरी रात, कब्रिस्तान, नहीं बेटे नहीं, अगर कोई भूत प्रेत तुम्हारे पीछे पड़ गया तो फिर क्या होगा? चलो बेटे चलो। नहीं बेटे इधर नहीं, उधर चलो, उधर से चलो, चलो 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 जल्दी चलो बेटे, चलो जल्दी चलो बेटे। यही है वो लड़की जो शंकरलाल से मिली हुई है। लेकिन मुलजिम का साथ देना भी तो जुर्म है। सच सच बताओ, ये सब कुछ तुमने क्यों किया? मैं सच बताती हूँ इंस्पेक्टर साहब, शंकरलाल ने मुझे लालच दिया था कि मुझसे शादी करके मुझे पेरिस ले जाए। जॉन का खून भी उसी ने किया था। Thank you.
सेठ शंकरलाल लोफर गई। मिस्टर शंकरलाल, एक मौजूद शहरी होने के नाते आपसे ये उम्मीद नहीं थी। ले जाओ इन्हें। ले जाओ। आई एम सॉरी मिस्टर सुबीर, हमारी वजह से आपको काफी परेशानी हुई। आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर। थैंक यू। थैंक यू सर, आपने हमारी मदद की। सर अब तो हमारा पगार डबल होना चाहिए। रॉकी। ओके सर, सिंगल ही काफी है। प्लीज फॉलो मी। प्लीज सर। ओह आई एम सॉरी, दिस वे सर। बाजार से भाई। बाजार से? हाँ भाई, आज ही तो लाया हूँ। वैसे ये गाना तो बहुत पुराना है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये गाना पुराना कैसे हो सकता है? ये तो मरिया की आवाज है। मरिया? ये मरिया कौन है भाई? तुम मुझे नहीं जानते सुरेश। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मरिया मेरी जिंदगी के साथ साथ चल रही है। सोते जागते किसी भी वक्त उसकी आवाज मेरे कानों में गूंज उठती है, और फिर मैं उसे सामने पाता हूँ। मैं ये आवाज कभी नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं भैया, कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? क्या आपकी मरिया 50 बरस की है? अरे यार, ये रिकॉर्ड 30 बरस पुराना है, और जिसने भी इसे गाया उसकी उम्र उस वक्त कम से कम 20 बरस की होनी चाहिए। देखो इस पे साफ लिखा है कितना पुराना रिकॉर्ड है। तुमने ये रिकॉर्ड कहां से खरीदा? वो चर्च के पास एक दुकान है जहां बहुत पुराना सामान मिलता है, बरसों पुराना। तिसलवा की तो नहीं? हाँ हाँ, वही दुकान। मैंने भी पियानो वहीं से खरीदा था। मिस्टर डिसिल्वा, मिस्टर डिसिल्वा। मेरा नाम सुबीर है, मैं नेशनल माइंस का मालिक हूं। क्या चाहिए आपको? मुझे मुझे मरिया से मिलना है। क्या लगती है वो आपकी? जी लगती तो कुछ नहीं, लेकिन आई एम सॉरी आप नहीं मिल सकते। यहां सिर्फ रिश्तेदारी स्टूडेंट को मिल सकते हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं मदर, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। प्लीज मदर, मुझे सिर्फ मरिया से 5 मिनट के लिए मिलने दीजिए। प्लीज मदर, सिर्फ 5 मिनट। कौन सी क्लास में पढ़ती है? जी ये तो उसने मुझे कभी नहीं बताया। 18-19 साल की है, यकीनन किसी हायर स्टैंडर्ड में पढ़ती होगी। जहां तक मैं जानती हूँ, हायर स्टैंडर्ड में मारिया नाम की लड़की यहाँ कोई नहीं पढ़ती। ये कैसे हो सकता है मदर? कुछ दिन पहले मैं उसे खुद यहाँ छोड़ने आया था। सांवले रंग की है वो, दरमियाना कद है उसका, और ऐसी यहाँ कितनी लड़कियां पढ़ती हैं, उन सबको मैं आपके सामने कैसे ला सकती हूँ? प्लीज मदर कुछ तो कीजिए, वरना वरना मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छा आइए मेरे साथ, लीजिए इसमें भी देखिए। नहीं मदर, मरिया इसमें भी नहीं है। तो मिस्टर सुबीर, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। हमारे स्कूल की जितनी भी लड़कियां थी उन सबकी फोटो मैंने आपको दिखा दी। प्लीज बहुत देर हो गई, आप जा सकते हैं। थैंक यू मदर।
गुड नाइट। सुधीर, मदर, देखो मरिया की तस्वीर। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ मदर, यही मरिया की तस्वीर है। Are you sure? Of course I'm sure. ये मेरे घर आया करती थी, मेरा पियानो बजाती थी, मुझे अक्सर पुराने कब्रिस्तान में मिलती थी। पुराने कब्रिस्तान में? हाँ, वहीं उसे दफनाया गया। ये आप क्या कह रही हैं मदर? मैं ठीक कह रही हूँ, आज से 20 साल पहले उसकी मौत हुई थी। 20 साल पहले उसकी मौत हुई थी? ये कैसे हो सकता है? आखिर ये सब क्या है मदर? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। मारिया हमारे स्कूल में पढ़ा करती थी, उसे पियानो बजाने और गाने का बेहद शौक था। उसकी आवाज में इतनी मिठास थी कि उसके रिकॉर्ड बनने लगे, लेकिन एक दिन इसी पियानो ने उसकी जान ले ली। पियानो ने उसकी जान ले ली, मगर कैसे? मारिया के बाप को शराब पीने की बहुत बुरी आदत थी, उसने छोटा मोटा सामान भी शराब की भट्टी में झोंक दिया, और मारिया के रिकॉर्ड्स की जो रॉयल्टी आती थी उससे एक के बाद एक बोतल खाली करने लगा। अरे तू मुझे छोड़कर कहां जा रही है? खाली हो गई, तू भी खाली हो गई। अरे जोसेफ, तुम सारे खाली बाटली की बात करता है, तुम्हारा तो सारा जिंदगी खाली हो गया। अरे फर्नांडिस, मेरा दोस्त, मेरा फ्रेंड, तू बहुत अच्छे टाइम पड़ा है। मेरे को आज कुछ नशा नहीं हुआ, मेरे को एक बॉटल मांगता है, रात जरा अच्छे तरह कट। अरे बुढ़ा, तुम रात का बात करता है, अब तो तुम्हारा सारा जिंदगी कटने वाला है, हम दारू तुमको नहीं लाके देगा। नहीं 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 नहीं, मस्करी मत कर, मस्करी मत कर, मेरा कोटा पूरा नहीं हुआ, एक बॉटल, ओनली वन बॉटल, और पैसा तेरा बाप देगा, 128 रुपए का बिल है पहले का। अम्मा 128 रुपए है ना, कल दे देगा। किधर से देगा? वो तुम डाइनिंग टेबल का हमको प्रॉमिस किया था, वो हमको नहीं दिया, और ले गया वो रामलाल बनिया। देखो भाई, हमको बाबा आज पैसा मांगता, अर्जुन पैसा मांगता बस। फर्नांडिस मेरा दोस्त, देख पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है, आदमी का कुछ वैल्यू है, इंसान का कुछ कीमत है। अपन को दे दे, मैं तेरे को एक महीने तक फोकट में दारू भी पिलाऊंगा, तेरा कर्जा भी माफ कर दूंगा, एक बार। नहीं 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 फर्नांडिस, मारिया पियानो को बहुत प्यार करती है। अरे मारिया पियानो के बगैर जिंदा रह सकती है, पर तू दारू के बगैर जिंदा नहीं रह सकता। वही एक बाटली, एक महीने तक रोज, एक फोकट में, एक महीने रोज। अच्छा ठीक है फर्नांडिस, लेकिन देख आज मुझे एक नहीं दो बार दो क्या मंजूर? अब भी आता भी, तुम भी आओ भगत, चलो उठाओ जल्दी, उठाओ चलो, शाबाश। हाँ चलो शाबाश, पुराना पुराना हो गया, पुराना चलो बेबी, आई विल गेट यू अ न्यू वन, बिल्कुल ब्रांड न्यू ले दूंगा। दिन मारिया की लाश
मरीना बीच पे पाई गई। मुझे तो ऐसा लगता है मिस्टर सुबीर, जैसे वो नहीं उसकी परछाई आपसे मिलती रही हो। मरिया मेरे सामने आओ, मेरे सामने आ जाओ मरिया। मरिया मैं जानता हूं तुम हकीकत नहीं बल्कि एक साया हो, और मैं एक साये से प्यार करता रहा हूं। मरिया मुझे सिर्फ एक बार अपनी सूरत दिखा दो। मरिया तुम हमेशा अपनी खुशी से मेरे सामने आती रही हो, आज मेरी खुशी के लिए मेरे सामने आ जाओ, वरना मैं जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। मरिया जिंदगी भर तड़पता रहूंगा। ये जिंदगी कुछ भी नहीं, एक ख्वाब है उलझा हुआ, मुश्किल नहीं राह वफा, अपने कदम आगे बढ़ा, मिट जाएगा हर फासला। आजाद हो चुके हो, उठो मेरे करीब आओ, मुझे गले से लगा लो।